कल ऊना की घटना पर श्रीमान राहुल गांधी इन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, वीडियो रिलीज किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है, क्योंकि पुणे की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके ऊपर जो निर्णय दिया उसके ऊपर हमने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन पुलिस उस पर रुकी नहीं, पुलिस ने वापस उस पर अपील दाखिल की और ऊपर के न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लेकर वापस एक रिव्यू पिटीशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चल रही है। जिन्होंने अंडर एज चाइल्ड को शराब दी ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, जिस पिता ने गाड़ी दी उसको भी अरेस्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई हुई, लेकिन हर चीज में वोटों की राजनीति को लाने का जो प्रयास राहुल गांधी करते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और उन्होंने इस घटना का जो राजनीतिकरण किया है मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आ रहा है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आ रहा है, जो कनेक्शन हो अभी पूरी तफ्तीश होगी और सब तरीके से जो भी उनके काम होंगे, कार्रवाइयां होगी, हर चीज के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। मांगेंगे, पर अभी जो है इतनी बड़ी बात हुई है तो क्या आप रेजिग्नेशन देंगे? अनिल देशमुख ने ट्वीट करके कहा है। अरे भाई देखो, जिनके ऊपर 100-100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा हो और कोर्ट ने हमने नहीं, उनकी सरकार थी, कोर्ट ने जिनके ऊपर एफआईआर किया हो, ऐसे व्यक्ति के बोलने के ऊपर क्यों मेरी प्रतिक्रिया मांगते हो?